नमस्कार दोस्तों, रिज एजुकेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और पीटी के विशेष कक्षा कार्यक्रम में आज हम लोग जो संविधान के अंतर्गत जो न्यायिक व्यवस्था पर चर्चा करेंगे, जो कि आपके सिलेबस में रखा हुआ है। बहुत ही लोकप्रिय टॉपिक है, हर परीक्षा में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। बहुत ही लोकप्रिय टॉपिक या और क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, और किसी भी ऐसे समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है जहाँ पर न्यायिक व्यवस्था स्पष्ट रूप से व्यवस्थित ना हो। तो इन सभी बातों की पृष्ठभूमि में ये क्लास और ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले इस बात को जो है समझ लेना आवश्यक है कि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। जिस तरीके से केंद्र और राज्य की अपने अपने सरकारें होती हैं, उसी तरीके से सरकारों के अंतर्गत जो है तीन अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सामान्यतः न्यायपालिका को जो है विधायिका और कार्यपालिका से पृथक रखा जाता है, ताकि न्याय के मानदंडों को स्थापित करने में न्यायपालिका बिना किसी जो है सरकारी दबाव के काम कर सके। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए भारत में भी जो है स्वतंत्र और पृथक रूप से एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है, ताकि समाज के जो है पीड़ित वर्गों को जो है न्याय समय से जो है प्रदान किया जाना संभव हो सके। तो समाज अगर कहीं पर है तो वहां पर विभिन्न प्रकार के जो है संगठन, समूह, व्यक्ति होते हैं जिनके हितों में टकराव होने की गुंजाइश और संभावना भी होती है। तो ऐसी स्थिति में उन सभी लोगों के टकराव होने वाले हितों के बाद जो भी तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, उनका निस्तारण करने के लिए एक स्पष्ट रूप से जो है स्थापित न्याय व्यवस्था का होना आवश्यक है, ताकि वो इस तरीके के टकराव को कम कर सके, समाज में शांति व्यवस्था को स्थापित कर सके। इन्हीं बातों की पृष्ठभूमि में प्रत्येक देश और समाज में एक न्यायपूर्ण जो है व्यवस्था की स्थापना के लिए जो है स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की जाती है। गार्नर ने कहा था कि एक सभ्य समाज की कल्पना बिना न्यायपालिका के जो है नहीं की जा सकती है। विधायिका के बिना हम एक समाज की कल्पना कर सकते हैं, परंतु हम ऐसे किसी भी सभ्य समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं जिसमें न्यायपालिका ना हो। इस ये वाक्य किसने कहा था? गार्नर ने। ये सेंटेंस जो है गार्नर ने कहा था, ये परीक्षा में पूछा भी गया है, और विशेष करके ऐसे स्टूडेंट जो राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी रहे हैं उनको ये चीजें जो है विभिन्न प्रकार के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और पेपर में ये चीज पूछे जाते हैं। तो आज के लेक्चर में जो है हम इसी पृष्ठभूमि के साथ जो भारत की न्यायिक व्यवस्था को जो समझने का प्रयास करेंगे। भारत में भी सरकार के तीन अंग है, उन तीनों अंगों में जो है एक न्यायपालिका की जो है स्पष्ट रूप से व्यवस्था है। भारतीय संविधान में अगर देखा जाए तो भाग 5 में जो है, भाग 5 के अंतर्गत जो है 124 से लेकर के 147 के अंतर्गत, आर्टिकल 124 से 147 के अंतर्गत भारत में केंद्रीय स्तर पर उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है। भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना पहली बार जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1937 ईस्वी में किया गया था, यानी कि प्रावधान 1935 में किया गया था, लेकिन स्थापना आकर के 1937 ईस्वी में हुआ था। आपका जो ये सर्वोच्च न्यायालय का कांसेप्ट है वो भी क्लियर कराया जाएगा, और वहां से जो भी तथ्यात्मक सवाल बीच बीच में पूछे जाते रहे हैं उसे भी स्पष्ट कराने का प्रयास किया जाएगा। और आप लोगों को इन चीजों को एक में समेटने का प्रयास करना होगा, और लास्ट में आपको स्वयं कंक्लूजन निकालने का प्रयास करना होगा। हम आपको इस तरीके से मैटर प्रोवाइड करवाएंगे, इस तरीके से उसमें इंटरकनेक्शन यानी कि अंतर संबंध बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको न्यायपालिका के बारे में और विशेष करके उच्चतम न्यायालय के बारे में एक स्पष्ट दृष्टिकोण बनाने में मदद मिलेगी। तो ये सारे भी सवाल आपको जो है समय समय पर परीक्षा में जो है पूछे जाते रहते हैं, इसलिए इसको भी यहाँ पे डालने का जो प्रयास बीच बीच में किया जाता रहा है। भारत में उच्चतम न्यायालय की या इस तरीके से स्पष्ट न्यायपालिका की स्थापना क्यों की गई? भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है, भारत में जो है संघात्मक शासन प्रणाली की स्थापना की गई है, और इसके अंतर्गत जो है शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन किया गया है, यानी कि केंद्र और राज्य के लिए प्रशासन और विधान बनाने के लिए जो है शक्तियों का सूचियों के माध्यम से विभाजन किया गया है। प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में रहकर के काम कर सके, किसी क्षेत्र में हस्तक्षेप ना कर सके, या अपने क्षेत्र में अकर्मण्यता ना जो है बना सके, इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो है एक स्वतंत्र और उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है, ताकि दोनों ही स्तर की सरकारों में अगर किसी भी प्रकार से कोई भी
मतभेद पैदा हो सके, टकराव अगर उत्पन्न हो तो वहां पर उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णय दे सके। और ऐसी स्थिति में आर्टिकल 131 के अंतर्गत जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है उच्चतम न्यायालय के द्वारा केंद्र और राज्य के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों का, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों का, और इसी तरीके से केंद्र और कुछ राज्य तथा दूसरी तरफ कुछ राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों का निस्तारण जो है वो उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। दूसरा है जो है संविधान की रक्षा, संविधान की रक्षा, संविधान की रक्षा के लिए भी उच्चतम न्यायालय का होना आवश्यक है। भारत में उच्चतम न्यायालय को यह कहा गया है कि यह संविधान का रक्षक है और मौलिक अधिकारों का रक्षक है, देश के न्यायिक व्यवस्था में सबसे उच्च स्तर पर विद्यमान है, स्थापित है, इसलिए संविधान की रक्षा करना का दायित्व जो उच्चतम न्यायालय का है। यदि कोई भी सरकार इस तरीके का कानून बनाती है जो कि संविधान के प्रावधानों का स्पष्ट रूप में उल्लंघन होता है तो ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय उसकी व्याख्या करता है, इंटरप्रिटेशन यानी कि निर्वचन करता है और उस सीमा तक उस कानून को शून्य घोषित करता है जहां तक वो संविधान का उल्लंघन या वहां उसके जो है टकराव की स्थिति में आता है। इसलिए संविधान की रक्षा करना, यहां भी एक क्वेश्चन बनता है कि संविधान का जो है अभिभावक कौन है, तो उसके लिए जो है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और संसद नहीं होता है बल्कि न्यायिक व्यवस्था है। अब उसमें कई तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। यदि वहां पर केवल न्यायिक न्यायपालिका लिखा है और सरकार लिखा है, विधान मंडल लिखा है, राष्ट्रपति लिखा है, तो वहां भी न्यायपालिका हो जाएगा। लेकिन अब उसी में भी जो है अगर ये सर्वोच्च न्यायालय लिखा है तो वो हो जाएगा। लेकिन अगर कूट वाले सवाल देते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, राष्ट्रपति, तो वहां पे जो है दो विकल्प होता है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ये दोनों को ही जो है माना जाता है। लेकिन अब उसमें भी उच्चतम न्यायालय शीर्ष पर है, अगर दोनों विकल्प है और एक ही विकल्प आपको उत्तर में लगाना है तो वहां पे आप सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का अभिभावक मानेंगे, ये सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। तीसरा है जो है मौलिक, तीसरा है मौलिक अधिकार, तीसरा है मौलिक अधिकारों की रक्षा, मौलिक अधिकारों की रक्षा, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बीच में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। और ये ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक है, उनके विकास के लिए आवश्यक है, तो इसीलिए व्यक्ति उस राज्य के द्वारा उसको जो है कभी भी उल्लंघन नहीं किया जा सकता, सरकारें उसको नहीं छीन सकती हैं। और इस तरीके से अगर कभी भी कोई पहल और प्रयास किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा, यद्यपि इसके साथ में उच्च न्यायालय को भी ये अधिकार दिया गया है कि वह जो है व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उसकी रक्षा कर सकें, 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकें जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा जैसे जो है रिटों को जारी करने की बात कही गई है। हम इस पर जो है एक और भी लेक्चर प्रोवाइड करवाएंगे आप लोगों को, क्योंकि ये टॉपिक महत्वपूर्ण है और बड़ा है। तो अगले लेक्चर में हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और शक्तियां देखेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग संविधान, सर्वोच्च न्यायालय के सामान्य परिचय, स्थापना, उसके नियुक्ति और उसको स्वतंत्र बनाने के क्या क्या जो उपाय किए गए हैं इस पर हम लोग जो है चर्चा कर रहे हैं। तो शक्तियों का वर्गीकरण, संविधान की रक्षा और मौलिक अधिकारों की जो है रक्षा, ये 3 सबसे महत्वपूर्ण, यद्यपि उच्चतम न्यायालय के द्वारा और कई कार्य किए जाते हैं लेकिन ये 3 कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है। तो ये जो है आप लोगों को यहाँ पे भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना क्यों की गई है ये देखा। इसके पूर्व में हम लोगों ने भूमिका को जो है थोड़ा सा देखा था कि उसका उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ है, किस आर्टिकल के अंतर्गत है, कब इसकी पहली बार स्थापना की गई थी और विभिन्न प्रकार के गुट और व्यक्तियों में टकराव हो सकते हैं तो वहाँ पे जो है हितों को सुलझाने के लिए और शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। इस रूप में हम लोगों ने भूमिका का जो है जिक्र किया। अब हम जो है संवैधानिक प्रावधानों पर आते हैं। आर्टिकल इसकी जो है स्थापना यूं नियुक्ति, आर्टिकल 124 में कहा गया है कि भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा,
इस आर्टिकल में कहा गया है, ये आर्टिकल भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसमें कहा गया है, यानी कि भाग पांच के अंतर्गत जो है 124 आर्टिकल के अंतर्गत ये कहा गया है कि भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा और वह एक मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों से मिलकर के बनेगा। या अन्य न्यायाधीशों से तात्पर्य यह है कि देश की परिस्थितियों, मुकदमों की संख्या, जरूरत इत्यादि को ध्यान में रखते हुए संसद को यह शक्ति दी गई है। किसे दी गई है? संसद को यह शक्ति दी गई है कि वो समय समय पर जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को निश्चित करेंगे, उन्हीं लोगों से मिलकर के बनेगा। वर्तमान समय में इनके न्यायाधीशों की संख्या जो है 34 है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशों की जो संख्या जो है 34 है। इनकी नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा जो है की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और सामान्यतया इनकी जो नियुक्ति होती है वो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश को किया जाता है। यद्यपि इस तरीके का कोई भी बात जो संविधान में नहीं कहा गया है, लेकिन सामान्यतया ये माना जाता है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों से ही किया जाएगा। विधि आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात को खुलासा किया है कि उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों को ही उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति किया जाए। अब रही अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में, तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करने से पूर्व जो है राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेते हैं और भारत का मुख्य न्यायाधीश परामर्श देने से पूर्व चार वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श या चार न्यायाधीशों से बने हुए कॉलेजियम के द्वारा परामर्श पर आधारित जो है नियुक्ति के लिए अपनी संस्तुति करते हैं। और यहाँ पर यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिया गया जो परामर्श है उन चार न्यायाधीशों में से कम दो न्यायाधीशों से संगत होना आवश्यक है, अन्यथा ये माना जाएगा कि ये जो परामर्श देने की प्रक्रिया है वो सही नहीं है। क्योंकि यदि चार न्यायाधीशों में से तीन न्यायाधीश उसके विपक्ष में है तो ये माना जाएगा कि वो परामर्श बहुत सही नहीं है और ऐसी स्थिति में सरकार या राष्ट्रपति उनके द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। तो ये कॉलेजियम की व्यवस्था जो है ये 1998 के न्यायाधीश मामले में जो है ये निर्णय लिया गया है कि अब जो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश परामर्श देने से पूर्व चार वरिष्ठ न्यायाधीशों के द्वारा बने गए कॉलेजियम या समूह से जो है परामर्श के बाद देंगे। तो यहाँ से व्यवस्था बनी है कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में ये व्यवस्थाएं विद्यमान है। तो आपको ये जानकारी हो गई कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और सामान्यतः राष्ट्रपति के द्वारा वरिष्ठ न्यायाधीशों को जो है नियुक्ति दी जाती है, जबकि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श पर होता है और मुख्य न्यायाधीश स्वयं परामर्श देने के पूर्व 1998 में न्यायाधीश मामलों में लिए गए निर्णय के परिणाम स्वरूप जो चार अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श पर आधारित होता है, जिसमें कि मुख्य न्यायाधीश का जो मत है वो कम से कम कॉलेजियम के दो जो है न्यायाधीशों से जो है मेल खाना चाहिए। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की भी स्थापना की गई थी, जिसमें नियुक्ति की प्रक्रिया में परिवर्तन किया जा रहा था, कार्यपालिका और अन्य न्यायविदों को उसमें शामिल किया जा रहा था, लेकिन अपने न्यायिक निर्वचन और वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने इसे इनवैलिड अवैध घोषित कर दिया। तो वर्तमान समय में 1998 के जो न्यायाधीशों के मामले में निर्णय लिया गया था कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति चार वरिष्ठ न्यायाधीशों से जो बने हुए कॉलेजियम के द्वारा दिए गए परामर्श पर मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को सलाह दिया जाएगा, वही व्यवस्था वर्तमान में भी विद्यमान है। तो ये व्यवस्था जो है न्यायपालिका की जो है सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना, उनके न्यायाधीशों की संख्या, उनकी नियुक्ति इत्यादि के संदर्भ में बताती है। इनकी योग्यता को हम लोग देख लेते हैं, योग्यता पहली बात यह है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत के नागरिक होना चाहिए, एक बात है। और दूसरा है कि ये जो है ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए जो है कम से कम 5 वर्ष तक जो है न्यायाधीश रहे हो, न्यायाधीश का अनुभव हो, ये जो है हाई कोर्ट के संदर्भ में है, कम से कम जो है हाई कोर्ट में 5 वर्ष, कम से कम 5 वर्ष तक वो हाई कोर्ट में जज रहे हो, या
यहां पर लगा है या, अब इसको तीसरा नहीं कहा जा सकता है क्योंकि या का मतलब चाहे ये हो चाहे दूसरा हो कि जो है उच्चतम न्यायालय में जो है 10 वर्ष तक जो है अधिवक्ता, 10 वर्ष जो है वो अधिवक्ता रहे हो, ये भी हाई कोर्ट के संदर्भ में है, यानी कि अधीनस्थ सबॉर्डिनेट या जिला स्तर के न्यायालयों में जो है यदि अधिवक्ता है तो उसे नहीं जोड़ा जाएगा। यहां पर जो है हाई कोर्ट के लिए जो है कहा गया है कि वो जो है 5 वर्ष तक जो है या तो जज रहेंगे या तो 10 वर्ष तक जो है वो अधिवक्ता रहेंगे, तो उस स्थिति में जो है उन्हें जज बनाया जा सकता है। या अगला और एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे है कि वो राष्ट्रपति के न्याय में जो है पारंगत विधवेत्ता हो। अब इसका क्या मतलब है, ये एक ऐसी व्यवस्था है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति के अधिकार को बहुत ही विस्तृत कर देता है, और इसके अंतर्गत वो किसी ऐसे व्यक्ति को जो संविधान न्याय समाज का जो है जानकार हो, जिसे विधिवेत्ता की श्रेणी में रखा जा सकता है, उसे भी जो है न्यायाधीश बनाया जा सकता है। यही पे उच्चतम न्यायालय में जो है, अब जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को देखेंगे तो ये जो है जज के रूप में 10 वर्ष की बात कही गई, लेकिन वो हाई कोर्ट में नहीं है, वो सभी प्रकार के समय को जो जोड़ करके जो बात है उसके अधीनस्थ न्यायालयों में भी जो है जज हो तो भी 10 हो सकते हैं, और ये भी जो है 10 ही है, तो ये भी जो है केवल हाई कोर्ट की नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब जज की बात होगी तो दोनों जगहों पे ये हाई कोर्ट की ही बात है, या तो 5 वर्ष का न्यायाधीश हो या तो 10 वर्ष अधिवक्ता हो या विधिवेत्ता हो, तो ये जो है उनकी योग्यता के संदर्भ में बात करता है। अब योग्यता के बाद जो है, योग्यता के साथ इसमें जो है कार्यकाल को हम लोग देख लेंगे, इनका कोई आवधिक कार्यकाल नहीं है, इनका कोई आवधिक कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है, लेकिन उम्र के आधार पर ये 65 वर्ष तक जो है न्यायाधीश बने रहेंगे। हाई कोर्ट के लिए पहले 62 था, बाद में उसको भी 65 कर दिया गया, तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपने उम्र के 65 वर्ष तक जो है वो न्यायाधीश बने रहेंगे, यही इनके कार्यकाल के संदर्भ में बातें हैं। यद्यपि ये 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पूर्व भी राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, या इसमें यह भी व्यवस्था है कि इनको हटाया भी जा सकता है, लेकिन हटाने की जो कोई भी व्यवस्था है वो राष्ट्रपति उस पर जो है हस्ताक्षर करने से पूर्व जो है संसद के दोनों सदनों के द्वारा जो है अलग अलग पारित होना चाहिए संकल्प, तभी उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ये पद से हट सकते हैं, यानी कि इनको पद से हटाने की व्यवस्था काफी जटिल है। तो इस तरीके के इनका जो है कार्यकाल होता है, कार्यकाल के संदर्भ में 3 बातें हैं, सामान्यतः 65 वर्ष तक है, उसके पूर्व में भी जो है ये राष्ट्रपति को जो है अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, और तीसरा इन्हें हटाया भी जा सकता है, लेकिन इनको हटाने का कोई भी संकल्प पहले संसद के दोनों सदनों से स्पष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए, तभी जो है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से हट जाएंगे। तो इनको हटाने की जो व्यवस्था है उस पर भी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि हटाने की व्यवस्था संसद के दोनों सदनों में जो है संकल्प ला करके किया जा सकता है, लेकिन लोकसभा में ऐसा कोई भी प्रस्ताव कम से कम 100 और राज्यसभा में ऐसा कोई भी प्रस्ताव कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर से ही प्रस्तुत होगा, और प्रस्तुत होने पर वो सदन के सभापति उसको स्वीकार कर सकते हैं। यदि स्वीकार करते हैं तो उसमें जो है 3 सदस्यीय जांच समिति बनती है, उसमें एक हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट और एक जो है अन्य जो है न्यायविद होते हैं, इनसे मिलकर के बनी हुई जो है समिति जांच करती है, और जांच के बाद अपना प्रतिवेदन देती है। यदि उसमें उन्होंने दोषी करार दिया है तो पुनः जो है संसद के दोनों सदनों से सदन में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले जो सदस्यों के 2/3 बहुमत से वह संकल्प पारित होता है, और पारित होने के उपरांत यदि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं तो उसे अपना पद जो है छोड़ देना पड़ेगा, ये इनको हटाने की स्पष्ट व्यवस्था है। तो कुल मिलाकर के ये देखा जाए कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने की जो व्यवस्था है वो इसी तरीके से है। यहां पर ये ध्यान में रखना होगा कि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उन्हें महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया जाता, कई किताबों में भी ये चीज लिखा हुआ है कि महाभियोग,
महाभियोग, ये गलत है। महाभियोग के आधार पर नहीं इनको, बल्कि साबित कदाचार एवं अक्षमता के आधार पर हटाया जाता है। साबित कदाचार एवं अक्षमता। अक्षमता का मतलब यह, अगर सक्षम नहीं है काम करने में तो, या इनके जो है आचरण को लेकर के जो है, या इनके जो है किसी भी तरीके से कार्यप्रणाली में जो है कोई भी जो है अनियमितता परिलक्षित होती है, तो भी इन्हें जो है इनके पद से हटाने की व्यवस्था इसी तरीके से है जैसा कि अभी मैंने बताया। तो ये व्यवस्था जो है सामान्य रूप से है न्यायाधीशों के लिए, क्योंकि नियुक्ति के बारे में पूछता है, कार्यकाल के बारे में पूछता है, यहाँ से इनके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। तो ये हटाने के बारे में व्यवस्था थी। अभी यहाँ पे कुछ अन्य प्रकार के न्यायाधीशों की जो व्यवस्था है, जैसे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर जो है नियुक्त होते हैं। यदि इनका पद रिक्त हो गया हो, अक्षम हो गए हो, असमर्थ हो गए हो किसी कारण से, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है। यहां पे ध्यान में रखना है कि यह राष्ट्रपति के द्वारा जो है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है। और कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश तब तक काम करता है जब तक कि जो है अगला कोई भी मुख्य न्यायाधीश स्पष्ट रूप से नहीं आ जाता है। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति इस रूप में होती है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ जो है इसकी व्यवस्था आर्टिकल में अगर देखा जाए तो 226, इसको थोड़ा सा आर्टिकल भी ध्यान में रख लेना है, क्योंकि यहां से भी कई बार सवाल पूछे जाते हैं। और न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये जो न्यायाधीशों के संदर्भ में है वहां पे आर्टिकल भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये ध्यान में रखना है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आर्टिकल 226 के अंतर्गत इस तरीके की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। इसी तरीके से तदर्थ न्यायाधीश। अब तदर्थ न्यायाधीश का क्या है मामला, जहां पे कार्यकारी जो है मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी न्यायाधीश जो है मुख्य न्यायाधीश होगा, वहीं पर तदर्थ न्यायाधीश जो अन्य न्यायाधीश होंगे। अब यहां पे जब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या किसी कारण से कम हो जाती है तो कोरम को पूरा करने के लिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, और यह नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति से परामर्श लेकर के किया जाता है। और इसमें जो है तदर्थ न्यायाधीशों की संख्या कोरम को पूरा करने के लिए किया जाता है, ये कई बार भी सवाल परीक्षा में पूछा गया है। और इसकी व्यवस्था आर्टिकल 227 के अंतर्गत की गई है, यानी कि 226 227 दोनों क्रम से हैं, याद करने के लिए आसानी होगी। तदर्थ न्यायाधीश अगला है जो है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये आर्टिकल जो है 228 में है। अब यहां पे 226 27 28 तीनों को इसलिए बताया गया क्योंकि याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण है, और एक एक सिस्टम बनाता है, एक ट्रेंड बनाता है, एक प्रवृत्ति का निर्माण आपके जो है मस्तिष्क में करने का प्रयास करता है, जिससे कि ये पूरा टॉपिक आपको जो है समझ में आएगा, याद करने में आसानी होगी। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश 26, तदर्थ न्यायाधीश 27 और सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो है वो 28। यहां पर एक चीज ये ध्यान में रखना है कि ये 126, 127, 128 है, थोड़ा सा इसको सुधार लीजिए। तो इस रूप में जो है ये याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण है। 126, 127, 128 के अंतर्गत क्रमशः कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश और सेवानिवृत्त न्यायाधीश के बारे में व्यवस्था किया गया है। अब हम थोड़ा सा, चूंकि ये देश के शीर्ष पर जो है विद्यमान व्यवस्थाएं हैं, उच्चतम न्यायालय संविधान का अभिभावक, मौलिक अधिकारों का रक्षक और देश की न्यायिक व्यवस्था में शीर्ष पर विद्यमान है, इसलिए इसके निष्पक्ष रूप से काम करने के लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई जिसको देख लेना हमारे लिए आवश्यक है। एक तो पृथक्करण, ये भी सवाल कई बार पूछा है इसलिए इसको यहां पे अंकित किया जा रहा है। सबसे पहला प्रयास पृथक्करण, यानी कि जो है
न्यायपालिका को जो है कार्यपालिका से जो है पृथक कर दिया गया है, ताकि सर्वोच्च न्यायालय बिना किसी हस्तक्षेप के और राजनीतिक दबाव के स्पष्ट रूप से पीड़ितों को न्याय दे सके। आर्टिकल जो है 50 में आपको जानकारी होना चाहिए कि विधायी कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक किया गया है। इसको याद करने के लिए हमने उस टाइम भी बताया था कि 5 के बाद 0 है, यानी कि ये जो व्यवस्था है वो अगली व्यवस्था से पूरी तरीके से पृथक, उसमें किसी भी तरीके का लगाव नहीं, 1, 2, 3 है, इस तरीके से नहीं, उसको 0 कर दिया गया, यानी कि जो है न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका से पृथक है। याद करने के ट्रिक के रूप में जो है तरीके के रूप में ये चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखना आवश्यक है। तो पृथककरण की जो व्यवस्था की गई है, दूसरा जो है नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उसमें जो है मुख्य न्यायाधीश में सामान्यता जो है वरिष्ठता के आधार पर, और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में जो है अगर देखा जाए तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में जो है मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर के जो है किया जाता है, अर्थात यहां पर भी नियुक्ति की प्रक्रिया में जो है काफी कुछ पारदर्शिता बनाए रखने का जो है प्रयास किया गया है, ताकि जो है किसी भी तरीके से गलत तरीका ना हो सके, गलत प्रकार के लोग ना पहुंच सके, इस तरीके से जो है एक व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया है। यद्यपि इस पे फिर भी कई आधारों पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जो है स्पष्ट बहुमत के आधार पर सरकारें बन रही हैं, एक न्याय के मानदंड विकसित हो रहे हैं, लोगों में जागरूकता आ रही है, तो ये उम्मीद किया जा सकता है कि आने वाले समय में इसमें जो है जो भी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उसमें भी सुधार का होना अवश्यंभावी हो जाएगा। तो नियुक्ति में भी जो है काफी कुछ न्यायिक ही व्यवस्था को जो है बनाए रखने का प्रयास किया गया है। कार्यकाल, इनका कोई आवधिक कार्यकाल नहीं है, बल्कि उम्र के आधार पर इनका कार्यकाल निश्चित किया गया है, और कार्यकाल के बाद जो है बीच में यदि इनको हटाया भी जाता है तो उसकी प्रक्रिया बहुत ही जटिल और जिम्मेदारी भरा है, इसलिए जो है इन्हें लगभग कार्यकाल की जो है सुरक्षा प्रदान की गई है, ताकि ये स्पष्ट रूप से काम कर सके, बिना किसी जो है प्रलोभन के जो है काम कर सके और स्पष्ट रूप में न्याय के मानदंडों को स्थापित कर सकें। जो है इनको वेतन की जो व्यवस्था दी गई है वो उच्च स्तरीय वेतन रखा गया है, इनका वेतन भारत की संचित नीति पर भारित होता है, किसी भी तरीके से उस पर मतदान नहीं किया जा सकता, इनके कार्यकाल में इनके परिनिधियों में कोई कमी नहीं की जा सकती है, केवल उस परिस्थिति छोड़ करके जबकि भारत में इमरजेंसी लगा हो, वो भी वित्तीय आधार पर अगर इमरजेंसी लगा है तो वहां पे भी इस तरीके की कोई जो चीज किया जा सकता है कि इनके वेतन में कटौती, क्योंकि वह देश के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, अन्यथा की सामान्य परिस्थितियों में इनमें कोई भी वेतन में कमी नहीं की जा सकती है। तो ये व्यवस्थाएं हैं। अवमानना की व्यवस्था, इनके द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनका क्रियान्वयन करना इनके आधार पर, इनके द्वारा दिए गए निर्देश के आधार पर आवश्यक होता है। यदि इनके द्वारा दिया गया निर्णय अगर क्रियान्वित नहीं होता है तो वो कंटेम्प्ट का एकदम करेक्ट केस बनता है, और उसके अंतर्गत ये जो है संबंधित जो है पार्टी को दंड भी जो है दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनके द्वारा अपने ही दिए गए जो है निर्देश को क्रियान्वित करने की जो अवमानना के रूप में जो है शक्ति होती है, और इनके जो आचरण पर जो है अगर देखा जाए तो इनके आचरण पर जो है संसद या राज्य विधानमंडल में कोई भी प्रश्न चिन्ह या जो है बहस नहीं किया जा सकता है, क्योंकि न्यायपालिका को कार्यपालिका से एकदम पृथक स्थिति दी गई है, और न्याय के मानदंड को स्थापित करने के लिए इनके आचरण पर कोई भी सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है। इसलिए इस सभी आधारों पर इनको जो है एक स्पष्ट व्यवस्था, एक स्पष्ट जो है क्रियान्वयन की जो है प्रणाली विकसित करने का अधिकार मिलता है, और ये अपेक्षा की जाती है कि ये बिना किसी दबाव के स्पष्ट रूप से न्याय दे सकने में जो सक्षम होते हैं। इसी तरीके से इन्हीं बिंदुओं के अंतर्गत इनको अपने स्टाफ को जो है भर्ती करने का जो है अधिकार दिया गया है, कि जो भी स्टाफ होंगे इनके द्वारा बनाए गए नियम कानून के अंतर्गत जो वहां पर पहुंचेंगे, ताकि वो भी जो है इसमें पूरी तरीके से सहयोग कर सकें। तो ये व्यवस्था इनके लिए रही है। और यहाँ पे नियम, ये अपने प्रक्रिया को अपने कार्य संचालन के लिए जो है नियम बनाने की जो इसमें भी शक्तियां जो है इनको दी गई है उच्चतम न्यायालय के द्वारा, इनके लिए जो है स्पष्ट रूप से बनाया जाएगा। और वकालत पर रोक, फ्यूचर में इनको वकालत पर रोक,
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए ये व्यवस्था बनाई गई है कि वो जो है सेवानिवृत्त होने के बाद किसी जो समिति आयोग या न्यायालय या कहीं पर भी वकालत नहीं कर पाएंगे। यह चीज बताता है कि उनका आज का जो निर्णय है वो पूरी तरीके से स्पष्ट होना चाहिए, भविष्य में किसी भी पद के प्रलोभन में किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो न्यायालय में रोक लगाया गया है, लेकिन आज कल के समय में कुछ राजनीतिक पदों पर भी जो है इनकी नियुक्तियां कर दी जा रही हैं, तो निश्चित तौर पर यह इनके व्यक्तित्व कार्य प्रणाली पर और सरकार की मंशा पर कई बार जो सवालिया निशान लगाता है। लेकिन इसके संदर्भ में ये सरकार से अपेक्षा होनी चाहिए कि इनके बारे में और देश की सर्वोच्च न्यायिक व्यवस्था के बारे में इस तरीके से कोई स्पष्ट मैकेनिज्म होना चाहिए, ताकि अभी जो पूर्व में व्यवस्था बनाई गई है उसके महत्व को स्पष्ट किया जा सके और उसे जो है जमीनी स्तर पर लागू किया जा सके। तो ये सारी व्यवस्थाएं इससे आधारित क्वेश्चन भी पूछते हैं, ये मुख्य परीक्षा में भी अगर सवाल पूछता है तो आप लिख सकते हैं, ये दफ्तर प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ से सवाल आते ही आते हैं। तो इन सभी आधारों पर इसे जो है यहाँ पर बनाए रखने का जो प्रयास किया गया है। अब थोड़ा सा हम इससे संबंधित जो भी सवाल अभी तक जो है पूछे जाते रहे हैं या विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछे जा सकते हैं उसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। जैसे उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में है, उच्चतम न्यायालय व्यवस्था कहां से ली गई है? जैसे हमारे यहाँ न्यायिक पुनरावलोकन और स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था जो है अमेरिका के संविधान से, यह प्रश्न जो है परीक्षा में पूछता है, आपकी विभिन्न परीक्षाओं में जो सवाल पूछते जाते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अमेरिका से जो है ये व्यवस्था ली गई, भारत में न्यायपालिका की स्थापना कब की गई है? तो 1937 ईस्वी में जो है भारत में जो है की गई है। इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये भी सवाल जो है परीक्षा में कई बार पूछा गया है। इसी तरीके से अभिलेख न्यायालय का क्या तात्पर्य है, आर्टिकल 129 में इसके बारे में लिखा गया है। यहां से अभिलेख न्यायालय का तात्पर्य जो उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए जो निर्णय को लेखांकन के रूप में रखा जाएगा और यदि किसी भी न्यायालय में इसे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा तो इसकी विधिमान्यता पर कहीं पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है और इसे जो है एक नजीर के रूप में जो रखा जाएगा और उसे एक नियम के रूप में अन्य निर्णयों को जो है देने में स्वीकार किया जाएगा, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाएगा। आर्टिकल 129 में जो है अभिलेख न्यायालय के रूप में इसकी चर्चा की गई है। और न्यायालय की अवमानना से क्या तात्पर्य है, न्यायालय की अवमानना से तात्पर्य यही है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो भी निर्णय दिए जाएंगे उसका क्रियान्वयन किया जाएगा, यदि उसका क्रियान्वयन नहीं किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय अपने ही निर्णय के उल्लंघन के लिए जो है दंड देने की शक्ति रखता है। तो यहां से ये भी सवाल पूछे जाते हैं। तो ये सारी जो है व्यवस्थाएं हैं, ये सारे जो क्वेश्चन हैं जहां से संभावनाएं होती हैं कि उच्चतम न्यायालय को लेकर के सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने उच्चतम न्यायालय की एक पृष्ठभूमि, उच्चतम न्यायालय की भारत में स्थापना कैसे हुई, उच्चतम न्यायालय की भारत में स्थापना यौम, उनके न्यायाधीशों की संख्या, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनका कार्यकाल, उनको हटाने की व्यवस्था पर हम लोगों ने चर्चा किया। साथ में न्यायिक व्यवस्था को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के कुछ जो मैकेनिज्म है उस पर चर्चा किया और यहाँ से सवाल किस तरीके से परीक्षा में पूछे जा सकते हैं इसको हम लोगों ने देखने का प्रयास किया। इसके बाद जस्ट ही जो है अगला लेक्चर जो है एक कार्य एवं शक्तियों को लेकर के जो रहेगा, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के कार्य एवं शक्तियों के रूप में माना जाता है और यहाँ से आपकी परीक्षा में सवाल भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होने के से बचने के लिए जो एक अलग से लेक्चर उसमें जो है ऐड किया जा रहा है, तो इसको आप विधिवत ढंग से देखें। यहाँ से संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं उस पर भी आप लोगों को थोड़ा सा बताने का प्रयास किया गया। इस पर आधारित आपको विभिन्न सवालों, परीक्षाओं में पूछे गए सवालों का कलेक्शन भी जो है विकल्पीय प्रश्नों के संदर्भ में दिया जाएगा, ताकि एक स्पष्ट दृष्टिकोण का आपके अंतर्गत विकास हो सके। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, पुनः अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।